तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए एक और रिक्रूटमेंट जो निकल के आ रहा है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी उर्वरक डिपार्टमेंट से। इसमें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2020 में है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में नौकरी करने का सुनहरा मौका, बहुत अच्छा मौका है इसमें जॉब करने का। इसमें पोस्ट कौन कौन से देख लीजिए, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, अग्निशामक है, इसमें लैब टेक्नीशियन इत्यादि बहुत सारे पोस्ट इसमें अवेलेबल है। उसके बाद करें आवेदन, तो आवेदन इसका होगा वो ऑफलाइन आवेदन होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, क्या हो क्वालिफिकेशन हो जाए, पूरा बात हम बताते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में बहुत बड़ी अपडेट हम वैकेंसी लेके आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन संख्या 03/2020 एक पेपर का कटिंग है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे ऑफिशियल साइट से, जो ऑफिशियल साइट है उससे हम आपको लोड करके दिखाएंगे, उस पर भी इसका अपडेट आ गया है। तो पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं पोस्ट के, उसके बारे में आपको लेके चलते हैं। तो देख लीजिए 28/4/2020 यानी आज का दिन पब्लिश किया गया इसको। पदों की संख्या देख लीजिए, अभियंता प्रबंधक मैकेनिकल, अभियंता इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे पोस्ट है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो चलिएगा दोस्तों पहले यहाँ जितना है दिखा देते हैं, आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हम दिखाएंगे आपको उसमें टोटल डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। देख लीजिएगा इसका जो ऑफिशियल साइट है, इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल लेबोरेटरी, सिविल एवं फायर एंड सेफ्टी में अनुभवी पेशेवरों की भर्ती 2020 में होने वाली है। दिनांक देख लीजिएगा, दिनांक चालू यानी आप अप्लीकेशन कर सकते हैं कल से 28/4/2020 से इसमें आवेदन करना है। और देखिए कब तक लास्ट डेट, अंतिम तिथि 27/5, देखिएगा दोस्तों अंतिम तिथि 27/5/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। सिंपल आपको टाइप करना है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऐसे आप जैसे ही सर्च कीजिएगा, आपको क्या करना है सर्च आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे सर्च आइकन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम इसको डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। सिंपल आप क्या कीजिएगा, जो देखिए यहाँ दोस्तों जूम करके दिखाते हैं, फर्स्ट है साइट है कि nationalfertilizer.com, जो पेपर के कटिंग में आज का हिंदुस्तान पेपर के कटिंग है, आज का हिंदुस्तान यानी 28/4/2020 का हिंदुस्तान में पब्लिश किया गया था। चलिए उसमें सिंपल आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको ऑफिशियल साइट खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो ऑफिशियल साइट खुलने के बाद सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ देखिएगा दोस्तों आपको क्या करना है, जाना है देखिए यहाँ पर कैरियर सेक्शन में, और कैरियर सेक्शन में जाने के बाद क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही कैरियर सेक्शन में आप क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा कंटिन्यू टू कैरियर, सिंपल आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिक्रूटमेंट इन NFL, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक और पेज आपके सामने खुल के आएगा। उसके बाद इस तरह का जो पेज आ जाए तो सिंपल आपको स्क्रॉल करना है नीचे। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में ही दिया है रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स केमिकल लेबोरेटरी सिविल एंड फायर सेफ्टी 2020। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा जहाँ पे इसको बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट नंबर, देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ जो दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर फर्मा की अप्लीकेशन फॉर्म दोनों थे। सिंपल आपको टाइप करना है, सिंपल क्लिक कर देना है एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह का दिखाई देगा, लोड होने लगेगा, मेरा भी लोड नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी लोड करके इसको रीड कर लिया हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, हम चलते हैं आपको लेके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप निश्चिंत होकर वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये PDF वही है जो हम ऑफिशियल साइट से लोड किए हैं। यहाँ देख लीजिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2020 और डेट पब्लिश किया गया 28/4 को। बाकी हम बता चुके हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सा है, तो पोस्ट हम आपको बता चुके हैं, सीधे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देख लीजिएगा ये दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर मिनी रत्न है, यानी जैसे नामी नामी कंपनियाँ होती है वो भी मिनी रत्न में। उसके बाद सिंपल आपको देख लीजिएगा यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स, एक में पोस्ट इसमें दिया है कि कैटेगरी, इसको देखिएगा दोस्तों ध्यान से, E1, E2, E4 जो है इसको ध्यान से कि आगे इस बारे में बताएंगे क्या करना है। उसके बाद सिंपल आपको पोस्ट देख लेना है कि किसमें कितना पोस्ट है, इंजीनियर का E1, E11, उसके बाद देख लीजिएगा प्रोडक्शन में एक पोस्ट है, उसके बाद मैनेजर, इस तरह 16 पोस्ट टोटल। उसके बाद कुल पोस्ट हम आपको बताते हैं, इसमें जो टोटल पोस्ट है यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे 52 टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट 52 है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, मेन मेन टॉपिक हम आपको बताएंगे। सीधे आते हैं आपको क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका भी समय बर्बाद हो। अगर जो क्वालिफिकेशन का फुलफिल करें वहीं इसमें वीडियो को देखें, बाकी अगर इससे क्वालिफिकेशन आपका इतना नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दें और छोड़ दें वीडियो को, क्योंकि बेकार में समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। देख लीजिएगा दोस्तों इंजीनियर प्रोडक्शन, उसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ अमोनिया यूरिया,
फर्टिलाइजर कम्प्लेक्स। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिएगा टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय शुड, यानी आपको क्या होना चाहिए, पीएस एम्प्लॉय होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक्सपीरियंस में, उसके बाद आते हैं कि आपके पास डिग्री कौन सा होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ आपके पास बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बाकी पोस्ट को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, हम मेन मेन टॉपिक आपको बताते हैं। उसके बाद बात करें एज का, तो एज देख लीजिएगा इस इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष है, बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी, तो देख लीजिए E1 कैटेगरी में आते हैं कोड E1 E4, तो E1 वालों को 40,000 से आपको 1,40,000, उसके बाद 70,000 से 2,00,000 तक आपका सैलरी इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है, आप लोग अगर एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भरें। उसके बाद बात करते हैं हम कि रिजर्वेशन का, तो दोस्तों इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपको जो रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उतना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ST ST OBC के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो। उसकी बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा जनरल OBC EBC कोई भी कैंडिडेट हो उसको 700 रुपया सिर्फ। यहाँ छूट किन को है, आप डिपार्टमेंटल जो है, जो PWD है डिपार्टमेंटल है कैंडिडेट है, उन्हीं को एप्लीकेशन फीस में नहीं देना होगा। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको इसमें बात करते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो अप्लाई इसका फॉर्म दिखा देते हैं हम आपको, सिंपल आपका करना है यहाँ पर पोस्ट लिख देना और आपको इस पते पे आपको भेज देना है फॉर्म को अच्छी तरह से भर के। उसके बाद क्या कीजिएगा देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है पूरा डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप भेजिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एक और बात बता दें, जो आपका सिलेक्शन एरिया है यानी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका होगा सीधे मेरिट और उसके बाद आपको प्लस इंटरव्यू, मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। देखिए दोस्त यहाँ की शॉर्टलाइज एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, देखिए आपका जो एप्लीकेशन जाएगा उस एप्लीकेशन को पहले अच्छी तरह से आपको भर लीजिएगा, स्क्रूटनी होगा उसका सिंपल। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा देखिएगा यहाँ से कि प्रोविजनल शॉर्टलाइज एंड कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी जो आपका इंटर शॉर्टलाइज हो जाएगा उसके बाद आपको सिंपल आपको क्या होगा इंटरव्यू के लिए आपका बुला लिया जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट आपका हो सकता है कि 31/3/2020 तक आपका मेरिट लिस्ट, सॉरी फ्रेंड्स, जो कट ऑफ आपका मतलब होगा पर्सनल सेल का एज का, यानी जो आपका एज होगा वो एज वो 31/3/2020 तक काउंट किया जाएगा, यानी 31/3/2020 का आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका उम्र कितना हो रहा है उसी पे आपका, अगर आपका मेरिट उम्र एज अगर 31/3/30 से कम होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर कम है तो ठीक है, 31 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो अपना लगा देना है, उसके बाद पूरा जो फॉर्म है उस फॉर्म को पूरा तरह से आपको क्या करना है फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको डालना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, और उसमें जो कोड दिया होगा वो कोड यहाँ पे भर के पूरा डिटेल्स के साथ आप इस फॉर्म को भर के उसके बाद जमा कर दीजिएगा। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो एड्रेस बताएं उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। उस एड्रेस पर आपको 27/5/2020 से पहले उस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दिए, इससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे, कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगा, आप पूरा अपडेट हम देते रहेंगे आपको। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आपको फॉर्म डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट का। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।